विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर यह सच है कि देश के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेकिन राहत की बात यह है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर कोतवाली थाना इलाके के खालापार मिमलाना रोड लालीला टीला निवासी जावेद को यूपीएसटीएफ मेरठ यूनिट ने मुजफ्फरनगर से 4 बोतल टाइमर आईईडी बम के साथ गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान जावेद ने जो खुलासा किया उससे मुजफ्फरनगर के साथ साथ लखनऊ तक हड़कंप मच गया। जावेद ने बताया कि खालापार निवासी इमराना नाम की महिला ने उससे ये बम तैयार कराए थे। एसटीएफ ने सप्लाई करने जा रहे आरोपी को तो दबोच लिया और इसके बाद एसटीएफ ने इमराना की तलाश शुरू कर दी। कई जगह दबिश डाली लेकिन वह परिवार सहित फरार थी। पूरी रात एसटीएफ की टीम इमराना और उसके परिवार की तलाश में जुटी रही और आखिरकार कल कामयाबी हाथ लग गई। इमराना को मुजफ्फरनगर से ही एसटीएफ ने धर दबोचा। इमराना की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसी आईबी एटीएस और आर्मी इंटेलिजेंस ने मुजफ्फरनगर में डेरा डाल दिया है। मुजफ्फरनगर की रहने वाली इमराना की कारस्तानी जानकर हर कोई भौचक्का है। उसने टाइम बम क्यों बनवाए थे, आखिर इसके पीछे उसका क्या मकसद था, चलिए आपको बताते हैं। ऑर्डर पर टाइम बम बनवाने वाली इमराना ने गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इंटेलिजेंस टीमों की अभी तक हुई पूछताछ में जावेद और इमराना की बातें काफी मेल खा रही हैं। इमराना से मुजफ्फरनगर पुलिस एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। खुलासा हुआ है कि इमराना ने मुजफ्फरनगर दंगे और सीए के विरोध में हुए बवाल में भी उपद्रवियों को 100 से ज्यादा बम बांटे थे। इमराना ने खुलासा किया कि जावेद के घर उनके पिता हकीम जरीफ अहमद के यहाँ वो दवाई लेने जाया करती थी, तभी से जावेद को जानती थी। उसे मालूम था कि जावेद अच्छा घड़ी मैकेनिक है और पटाखे बनाने का काम भी जानता है। इमराना ने बताया कि मुजफ्फरनगर दंगे में दंगाइयों ने उसका घर जला दिया और उसका घोड़ा भी लूट कर ले गए। वो टूट चुकी थी और इंतकाम लेना चाहती थी। हकीम जरीफ के बेटे जावेद से यहीं उसकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। तभी खुलासा हुआ कि जावेद बम तैयार करने में माहिर है, इसीलिए उसने 2009 में जावेद से 2 टाइमर बम बनवाए और उन्हें बाद में जंगल में विस्फोट कर ट्राई किया। उसने 2-4 नहीं बल्कि 55 टाइम बम जावेद से तैयार करा लिए और उन्हें 25 से 30 लोगों को बांट दिया और कुछ को नहर में फेंक दिया। और अब जब इमराना ने सुना कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू हो सकता है तो उसने दंगे की तैयारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इमराना ने टाइमर बम बनाने के लिए ऑर्डर भी दे दिया। हालांकि उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस एसटीएफ और एजेंसियां अलर्ट हैं और वो पकड़ी जाएगी। खबरों के मुताबिक इमराना एक अधेड़ उम्र की महिला है और ये शामली जिले के बाबरी थाना इलाके की रहने वाली है। उसके गांव का नाम बंतीखेड़ा है। इमराना ने करीब 20 साल पहले से ही अपना गांव छोड़ दिया था। हालांकि रविवार और गुरुवार को वो तांत्रिक क्रिया के लिए आती थी। इमराना पिछले 40 साल से गांव में झाड़फूंक का काम करती आ रही है। गुरुवार को भी वो गांव में अपनी बड़ी बेटी के साथ झाड़फूंक करने के लिए ही आई थी। काफी लोग उससे इलाज कराने भी आते हैं। वहीं इमराना की करतूत से उसका पति पूरी तरह से अनजान है। इमराना का पति आजाद जिंदगी चलाने के लिए मुजफ्फरनगर में रहकर दूध बेचने का काम करता है। माना जा रहा है कि इमराना बोतल टाइम बम और आईईडी से जुड़े कई बड़े राज खोल सकती है। फिलहाल इमराना पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ चल रही है। देखना होगा कि आगे इमराना और क्या कुछ बड़ा खुलासा करती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।